राजगढ़ जिले में नातरा प्रथा वर्षों से समाज में जड़ें जमा चुकी है। नातरा प्रथा झगड़ा प्रथा के खिलाफ लाल चुनर गैंग मैदान में उतर गई। इसके लिए 150 महिलाओं ने अपना संगठन बनाते हुए इस कुप्रथा के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए राजगढ़ में रैली निकालकर जिला कलेक्टर निधि निवेदिता को ज्ञापन सौंपा। अब गैंग की महिलाएं नातरा प्रथा से पीड़ित महिलाओं की मदद करेगी। वह इसी मामले में जिला कलेक्टर निधि निवेदिता से मीडिया से चर्चा में कहा कि जिला प्रशासन इस कुप्रथा के अंत के लिए विभिन्न समाजों के लोगों से चर्चा करेगा, इस कुप्रथा के पीड़ितों को रहने की व्यवस्था करेंगे। वहीं पुलिस भी ऐसे कामों पर दंडात्मक कार्यवाही करेगी। वहीं इसके लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ये करीब 150 महिलाओं की बेटियों की जो पीड़ित है उन लोगों का पूरी एक टीम है, बहुत बड़ा एक ग्रुप तैयार हो गया है। अब हमने ये सोचा है कि जहाँ कहीं भी हमको पता पड़ेगा कि यहाँ नातरे की बात हो रही, झगड़े की बात हो रही है, तो तुरंत वहाँ पे जाके अटैक करेंगे, कानूनी कार्रवाई में मदद करेंगे कि उसके साथ में ये अत्याचार ना हो, चाहे ऑन दी स्पॉट पे मर जाए हम लोग। किस नाम से संगठन बनाया आपने, कितने लोग हैं इसमें? करीब 150 लोग हैं, 150 महिलाएं हैं। क्या नाम दिया? लाल चुनर। लाल चुनर नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये देवी का आस्था का शक्ति का प्रतीक है। लाल चुनर अपने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ये लाल चुनर का नाम दिया है। इसमें सभी महिलाएं, सभी समाज की महिलाएं हैं। इसमें काफी दबाव आता है और इसमें कोई भी उठती हुई आवाज को हमेशा दबाया गया है, इसलिए इतने वर्षों से चल रही है। बिल्कुल इसीलिए चल रही है। और मुझे ये भी पता है अभी कितना दबाव आने वाला है, लेकिन मैं इस काम के लिए मैं बहुत प्रेरणा में मानती हूँ राजा राम मोहन राय की, क्योंकि मैंने जब देखा कि उन्होंने सती प्रथा को बंद किया। देखिए, राजगढ़ जिले में एक सामाजिक कुप्रथा है कि जो नात्रा और झगड़ा प्रथा के नाम से यहाँ पर है, जिसमें कि जो महिलाएं हैं उनको इस तरीके की यात्रा झेलनी पड़ रही है। आप लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, इसमें दो तरीके से कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। नंबर वन तो इसमें जो महिला सशक्तिकरण और महिला बाल विकास के विभाग है, इन लोगों से संबंधित जो बिंदु है, जैसे इन लोगों के लिए अगर कोई इस तरह की प्रताड़ित महिला समक्ष में आती है तो इनके रहने की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही पुलिस के साथ में जो एक सुनियोजित ढंग से इन आपराधिक प्रकृति के लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पुलिस के साथ ये समन्वय स्थापित किया जाएगा कि इसमें दंड जो है वो दंड तत्काल जो है वो दंड इसमें किया जाए। साथ ही ये क्योंकि एक सामाजिक कुप्रथा है तो इसमें समाज के जो लोग हैं जो इसमें शामिल हैं उनके साथ में एक चर्चा करके और इसमें एक हल निकालने की आवश्यकता है। और इसके बावजूद भी ये समाज के लोग जो है वो इसमें सहयोग नहीं करते हैं तो फिर जो आपराधिक प्रकरण, जो अन्य प्रावधान है महिला सशक्तिकरण और अन्य कानूनों के माध्यम से, वो सभी प्रावधान लगा करके इसमें सशक्त कार्रवाई की जाए। मैडम, जैसे इनकी शिकायत है कि समाज के जिम्मेदार लोग ही तो उसमें पंचायत बैठा करके फैसला करवाते हैं, इनका सौदा कराते हैं, वही अगर उन्हीं को साथ लेंगे तो फिर कैसे? नहीं, उनको साथ नहीं लेंगे, उनको एक बार चर्चा करके समझाना जरूरी है कि आप इन सभी गतिविधियों से तत्काल विरत हो जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जितने भी प्रावधान है उसके अनुसार आप पे कार्रवाई की जाए। राजगढ़ जिले की बहुत बड़ी कुरूति थी नातरा प्रथा, नुक्ता प्रथा, धीरे धीरे करके नुक्ता प्रथा कम हुई, ये नातरा प्रथा भी काफी समय से हमारे सामाजिक स्तर पर भी, कोंजा समाज, यादव समाज, गुजर समाज, दांगी समाज, करीब करीब सभी समाजों में थी। पर धीरे धीरे मेरे को पता, हमारे समाज की बता दूं आपको, पहले बैठ करके समाज के लोग निर्णय करते थे, उस चीज को समझौता करते थे, झगड़ा फंटा होता था, निपटाते। अब सारे समाज के लोगों ने तय कर लिया है, दांगी समाज ने, तो कि हम किसी भी कीमत पे इस चीज में आगे नहीं आएंगे। अगर लड़की की इच्छा है, जहाँ जाना चाहती है जाए, और धीरे धीरे करके लोग भी समझ चुके हैं और इसमें हमारा पूरा सहयोग है। ये चीज जो भी कुरूति है ये खत्म होना चाहिए और सामाजिक स्तर पर सब लोग बैठे, कोई समाज हो, बैठ करके इस कुरूति